स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल रोहित सूची पे। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे घर पे जो हमारे ननद और नंदोई हैं, जैसे शिल्पा और सचिन है, वो आए थे, ताऊ जी लोग सब आए थे, तो उनके लिए हम लोगों ने बनाया था गाजर का हलवा और काजू करी। तो गाजर का हलवा हमने उन लोगों को खिलाया था, तो सबने बोला था बहुत अच्छा बना है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो रेसिपी शेयर करते हैं। और सच में काजू करी और गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बना था, तो आप लोग सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ये नहीं कि हाँ भाई मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को ऐसा बोल रही हूँ, बट बहुत अच्छी बनी थी इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड तक, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जिसकी रेसिपी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसको पूरा जरूर देखना। तो अभी मैं गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ले लिया है 150 ग्राम घी। तो सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर घी, और अभी हमारा जो हमारा घी है वो गर्म हो गया, तो मैं जो गाजर है इनको हम थोड़ा सा निचोड़ेंगे इस तरीके से। इसका जो पानी है वो पूरा नहीं रखेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगता है गाजर का हलवा बनने में। थोड़ा सा निचोड़ लेंगे, ज्यादा भी नहीं निचोड़ेंगे, थोड़ा रस रहने देंगे। तो थोड़ा सा निचोड़ के हम इससे घी में इसको डालेंगे, और इस तरीके से हम सारी गाजर को निचोड़ के इसके अंदर घी के अंदर डाल देंगे। तो अभी इसमें सारी गाजर जो है उनको निचोड़ के कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसको हम घी में इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक भूनेंगे। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे हलवे की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम हो गई है, और इसका कलर भी है, पहले जैसे हमने डाला था उसका कलर भी बहुत चेंज हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे, हमारी जो गाजर थी वो 4.5 किलो गाजर थी, तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे 800 ग्राम चीनी। और अभी हमारे गाजर का जो पानी है वो अच्छे से जल चुका है, तो इसका मतलब गाजर भी पक रही है, पक गई है, तो इसमें हम डाल देंगे चीनी। अगर हम चीनी को पहले डाल देंगे गाजर अच्छे से पकती नहीं है तो हलवा ज्यादा अच्छा नहीं बनता, तो इसमें हम डाल रहे हैं 800 ग्राम चीनी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और चीनी का जो चाशनी पानी होता है वो पूरा जब तक नहीं जलता तब तक इसको हम फिर से पकाएंगे। अभी आप देख रहे हैं इसमें हमारा जो चाशनी का पानी हुआ था चीनी का वो भी पूरा जल चुका है। केवल दूध नहीं डाला था क्योंकि हम लोग बना रहे हैं खोया वाला गाजर का हलवा, तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 किलो मावा या खोया, इसको आप बोलते हैं। हमारा अच्छे से वो चाशनी थी जो जल चुकी है, और हमारा हलवा वो अच्छे से देख सकते हैं आप रेडी हो गया है। इसमें हम खोया डाल देंगे, अभी उसको भी 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अभी इसके अंदर डाल दे रही हूँ हमारा खोया, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। और अभी देखो ये थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया इसने हमारे हलवे ने, मावा भी लगभग पक चुका है, पूरा नहीं पका है अभी तक, तो अभी 2-3 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसको। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से घूमने लग गया, बिल्कुल भी नहीं पक रहा ये। इसमें अब हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है कटे हुए उनको डालते हैं।
और जो हमारा हलवा होगा गाजर का वो बन के तैयार हो जाएगा। ओ अब इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, बहुत मेहनत वाला काम। देखिए हमारा जो हलवा है गाजर का बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो गया है और देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। और अभी खा के ट्राई करते हैं कि कैसा बना है ये हलवा। तो अब यहाँ पे हम तैयार करें काजू करी, जिसके लिए हमने प्याज और 15-20 काजू थे उनको बॉईल करने के लिए रख दिया। प्याज को कट करके और पानी में डाल दिया और यहाँ पे हमने 3 जो बड़े प्याज हैं उनको कट कर लिया है, 3 हरी मिर्ची और 3 टमाटर हैं उनको बारीक कट कर लिया, कुछ लहसुन की कलियाँ और कुछ 2 अदरक के इसको हम छान लेंगे, इसका पानी इसको हम डालेंगे ताकि जो प्याज की कच्ची कच्ची स्मेल होती है वो ना रहे और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और इधर हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे घी, इसमें हम डालेंगे घी इनको थोड़ा सा ब्राउन, अब काजू का थोड़ा सा ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम इसको पीस के इसी ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं। हमारे जो काजू है वो ब्राउन हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। इनको साइड में प्लेट में रख लेंगे, फिर डाल देंगे हम ग्रेवी में इसको। ओके गॉट इट। अभी इसके अंदर जो घी है उसको भी छोड़ देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। अभी जो हमारा तेल है वो गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी राई। एक बार जरा इनको सेफ तो दिखाना। अब इसमें हम डाल देंगे 4 इलायची, डाल देना और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे हमारी जो हरी मिर्ची है वो, और इसमें हम डाल देंगे हमारे एकदम बारीक कटे हुए प्याज, इसे बारीक से काटे हैं। भाई आप निकल रहे हो, निकल रहे हैं, एडमिट हो रहे हो, बहुत परेशान है। अब इनको थोड़ा ब्राउन, एकदम ब्राउन होने तक पकाएंगे। ए भैया खास मतलब आवाज ही कोई करती मेरी, तो थोड़ा वो काजू का कलर इसमें चला गया था, थोड़ा तेल और घी है वो थोड़ा काला काला सा लग रहा है, तो इसको इग्नोर कर देना प्लीज। देखो और यहाँ पर हमने डाला इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर, और 1.5 चम्मच ही हमने डाला इसमें धनिया पाउडर। और अभी इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। ये मसाला पक गया है तो इसमें डाल दे रहे हैं हम टमाटर। देखिए अच्छे से ऑयल इसने छोड़ दिया है, तो अब टमाटर डालेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। Thank you.
और अभी देखिए हमारे जो टमाटर थे वो भी 2 मिनट के बाद पक गए हैं अच्छे से। और अभी इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 कप क्रीम। और लास्ट में हमने इसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच नमक। और अभी जो हमारी क्रीम थी वो भी पक गई है तो उसमें हम डालेंगे हमारे जो काजू हमने फ्राई करे थे वो। और अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें गरम मसाला 1/2 चम्मच और भुनी हुई कसूरी मेथी। तो थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे देसी घी, जो चूंटिया घी होता है वो। इसमें दूध ही दूध है, चॉकलेट दूध दही भी है। और अब इसमें डाल दिया हरा धनिया और हमारी जो काजू करी है वो बन गई, तैयार हो गई है।